ब्लॉक अंतर्गत दुग्गी गांव में गरीबी से जूझ रहा एक परिवार पिछले 5 सालों से पहाड़ की गुफा में रहने को मजबूर है। पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई। गुफा में रहने से परिवार को जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है, साथ ही परिवार के मुखिया को उनके बच्चों के भविष्य की चिंता भी सता रही है। और इस पूरे मामले में जिला प्रशासन को गंभीरता दिखाते हुए गुमनाम परिवार को भूमि के साथ मकान की सुविधा देने के लिए एक पहल करने की जरूरत है, जिससे ये परिवार भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाए और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। कारण यहाँ यह है कि जगह जमीन की लड़ाई हुई, उसमें गांव वाले मतलब एक तरफा एक जने को न्याय देते हैं, मेरी तरफ मतलब गांव के परेशानी देके हमको दूर करा दिए, गांव में नहीं रहने देना है, इस टाइप का किए। तो मैं एक जगह और झोपड़ी बनाया था सर, वहाँ पर वो भी गिर गया है, फिर इसी गुफा को चुन लिया हूँ, यहीं पर अपना 3 साल से रह रहा हूँ सर। अब कहाँ कर गया, अब जहाँ थे आदमी रख दी वही थे रहना जरूरी है। तो अभी टेंशन कम हुआ है? टेंशन तो नहीं कम हुई सर। अच्छा। टेंशन है ये है। तो ये जानकारी प्राप्त हुई है हमें और इसके संबंध में हम अनुभागीय अधिकारी राजेश और सीओ जनपद के माध्यम से इसके बारे में रिपोर्ट लेंगे कि क्यों इस तरीके से वो रह रहे हैं या क्या उनके समस्याएं हैं, और यदि प्रधानमंत्री आवास आदि के लिए एलिजिबल होते हैं तो हम उसमें बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, उसके प्रतिवेदन आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा जिले में धान लुवाई के साथ ही उसका अवैध परिवहन